गाइज वेलकम टू माई अनदर वीडियो. दिस इज द स्टोरी टेलिंग ब्लॉग. एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर अ वीडियो अ स्टोरी विद यू ऑल गाइज. दिस इज माई पर्सनल स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड. एक्चुअली इसमें है क्या कि मेरे बचपन की स्टोरी है, ठीक है. ये किडनैपिंग की स्टोरी है. तो आगे आगे पूरी वीडियो देखना, ठीक है. लाइक भी करना वीडियो को अगर अच्छी लगे. तो वैसे ही मैं शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं अभी शूट कर रही हूँ इस वीडियो को. तो हाँ जी, चलते हैं वीडियो की ओर. इसमें क्या है कि मैं 5th class में थी, छोटी सी थी, 5th class में थी. और मैं सुबह सुबह घर अपनी मम्मी से ऐसे ही जल्दी जल्दी में, मतलब पता नहीं क्या बात हुई थी, ऐसे ही लड़ाई करके बैग उठाया. वैसे तो हमें वो छोड़ने जाते थे स्कूल, ठीक है. स्कूल थोड़ी दूर था हमारे वहाँ से. तो मैं गुस्से में ऐसे ही घर से सुबह सुबह रेडी होकर बैग उठाया और चल पड़ी. किसी के साथ नहीं गई, छोटी सी थी, 4th और 5th class में ऐसे कुछ थी. तो फिर मैं जा रही हूँ और ऐसा रास्ता मैंने अपनाया जिसमें सुनसान एरिया था. मैं चलती गई, ठीक है. जा रही हूँ मैं ऐसे उठा कर बहुत अपने मस्ती में ऐसे झूमते हुए जा रही हूँ. फिर एकदम सुनसान एरिया आया और मैं वहाँ पे स्लोली स्लोली जा रही हूँ. डर तो लग रहा था बट कोई बात नहीं, पहली बार ऐसे किया था मैंने. तो फिर क्या हुआ ना, एक अंकल आए रिक्शे के ऊपर, ठीक है. वो आगे जाके ना, जैसे मेरे से बहुत थोड़ी सी दूर जाके ना, ऐसे रोड में रिक्शे को ना, नहीं नहीं पहले उन्होंने मेरे से बात की, कह रहे हाँ मैं तेरे पापा के पास छोड़ दूँ, वो मुझे बुला रहे हैं. मैंने बोला कहाँ है मेरे डैडी. मैंने बोला कहाँ है मेरे डैडी, है ना, हम डैडी बोलते हैं जैसे स्टार्टिंग से ही. तो फिर उसने बोला कि वो है हॉस्पिटल में, आ जाओ तो मैं छोड़ता हूँ वहाँ पे, चलो रिक्शे के ऊपर. तो मैंने वो आगे चला गया ऐसे बोल के, है ना. मैं स्लो हो गई रोड. फिर उसने रिक्शे से उतर के रिक्शे को ना ऐसे रोड पर ना पूरा टेढ़ा ऐसे नीचे लैंडस्केप साइज ऐसे, मतलब उसको वो कर दिया, ठीक है. तो खड़ा हो गया, फिर ऐसे खड़ा हो गया ऐसे. तो फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब तो मैं गई. फिर मैंने क्या किया ना, मैं दूर थी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी दूर थी, बट मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैंने अपने सैंडल जो पहने हुए थे ब्लैक कलर के, यूनिफॉर्म पहने हुए थे, मैंने सैंडल उतारे, हाथ में पकड़ लिए. और मैं और भगवान की ओर से ना, तब ऐसे था कि रास्ते में शॉर्टकट एक रास्ता था, ठीक है. और मैंने सैंडल हाथ में पकड़े और मैं वहाँ से इतना तेज भागी, इतनी तेज. और मैं वहाँ से स्कूल थोड़े से दूर था, मैंने ऐसे मैराथन किया के ना, बैग भी था मेरे पास, बुक्स थी और सैंडल हाथ में पकड़े से भाग. इतनी मार्केट थी, सब्जी वगैरह वाली मंडी है, वो सारा क्रॉस करके हाथ में सैंडल पकड़े हुए ऐसे भागे जा रही हूँ. डर गई थी मैं तब बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से वो हो गई थी. ऐसे सैंडल उठा के ऐसे मार्केट में भाग रही, किसी की कोई परवाह नहीं, बस मुझे अपनी पड़ी हुई थी कि मैं बस बच जाऊँ. फिर एकदम मैंने वहाँ का क्या किया ना, स्कूल में जाके ही रुकी मैं, सिक्योरिटी गार्ड के पास अंदर जाके वहाँ पर जाके रुकी, सैंडल पहने और क्लास में जाके जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे. सभी पूछ रहे बच्चे की क्या हुआ. मैंने बोला अभी मेरा किडनैप हो जाता है, ऐसे ऐसे. तो ऐसे बंदा था, ऐसे ऐसे बोल रहा था, इतना रोई रो रो के. फिर चलो खा चॉकलेट वगैरह पानी पूनी पी के नॉर्मल क्लास लगाई, ठीक है. घर आके मतलब मैंने किसको बताया भी नहीं कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैं बहुत जब बड़ी हो गई बहुत सालों के बाद, कब एक दो बार मैंने शेयर की है ये बात घर पे भी, ऐसे ऐसे हुआ था. पता नहीं अब उनको याद होगा, वो जब मेरी मम्मी वीडियो देखती है तब देखेगी वीडियो कि हाँ ऐसे ऐसे मैं बना रहा. ऐसे मेरा दिल गया कि मैं बताती हूँ. तो मैं बस इस वीडियो के थ्रू ऐसे बताना चाहती थी कि आप लोग जो भी देख रहे हो अपने बच्चों को, जो मतलब खासकर लड़कियाँ और लड़के बच्चे ही होते हैं ना, ऐसे नहीं कि अलग अलग है, उनको अकेले मत भेजा करो कहीं पे भी. ऐसे अभी माहौल टाइम नहीं है ऐसे पहले वाला, क्योंकि इतने साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, है ना, पहले की बात बता रही हूँ. और आप अकेले मत भेजा करो, कुछ भी हो सकता है. मैं तो भगवान की कृपा से बच गई, तब दिमाग काम कर गया, नहीं तो अब पता नहीं मार दिया होता उसने मुझे, है ना. तो बस यही थी मेरी स्टोरी. इफ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, वीडियो को आगे भी शेयर कर देना. थैंक यू सर.